हेलो गाइस, तो हम लोग इस सिंटेक्स का हम लोग पुराना वाला रद्दी हो गया है, इसको हम लोग काट के कबूतर को नहाने के लिए बनाए हैं। काहे कि मौसम गर्मी का आ रहा है, तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाए हैं। देखिए, हम लोग इसको काट चुके हैं और भी ग्लेंडर के माध्यम से। आप ग्लेंडर का यूज ना करें, आप एक्सो ब्लेड या टेनस पत्ती का काम करेंगे, मैं इसीलिए सोच समझ के अपना ये कीजिएगा। और हम आपको यह बताएंगे कि मेरा कबूतर के लिए हमें यह पानी का जुगाड़ किए हैं, ताकि जगह पानी हम लोग का पंप से पानी आता है यहाँ, इसीलिए हम लोग ये जगह अपना सेटअप बनाए हुए हैं पानी का। तो आप वीडियो पे बने रहिए और सब्सक्राइब और लाइक कमेंट सब कीजिए और बताइए कि हम लोग का वीडियो कैसा लगा। हेलो गाइस, तो हम लोग आज एनिमल प्लैनेट 47 के लिए वीडियो बनाने के लिए अपने छत पे आए हुए हैं, और हम लोग वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे, इसीलिए आप बने रहिएगा मेरे वीडियो पर। आपको इतना दिखाएंगे कि हम लोग कबूतर को पालन किस तरह से कर रहे हैं और उसका सेटअप किस तरह से बनाए हुए हैं, और कबूतर को अपने घर पर जमाने के लिए आप उसको का खिलाइए और का देना, उसको रहने के लिए का पसंद है उसको आप दिखाइए, और हम बताएँगे कि कबूतर किस प्रकार से अपना घर वापस कब और किस समय वापस होता है, और वापस होने के बाद उसको क्या खिलाना चाहिए और क्या देना चाहिए, उससे कबूतर अपना मन से खुश होता है और कबूतर कभी अपना घर छोड़ के नहीं जाता है दूसरे के घर।